हेलो दोस्तों, बेस्ट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2, दोस्तों कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 4 में जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों का हल आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। जी दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में जितने क्वेश्चन है सभी का सोल्यूशन एक शानदार तरीके के साथ आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका मैंने टाइम इन्वेस्ट किए, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, वहां क्या ज्ञात करना है? शून्य, ये सभी जो बहुपद दिए गए हैं इन सभी बहुपदों का हमें शून्य ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, एक शानदार तरीके के साथ इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। आप सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन आप लिखेंगे। तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया है ए बराबर, क्वेश्चन नंबर ए देखिए, पी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव। आप यहां से देखिए क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है शून्य, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ दोस्तों, माना पी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, शून्य पूछ रहा है इसलिए पी एक्स बराबर जीरो आप करेंगे। पी एक्स बराबर जीरो, शून्य पूछ रहा है ना इसलिए, यहां पर देखिए शून्य पूछ रहा है इसलिए शून्य, माना पी एक्स बराबर जीरो, तो पी एक्स माने एक्स प्लस फाइव है। पी एक्स बराबर क्या है, एक्स धन पांच, उसको रखिए बराबर जीरो। यक्ष बराबर ये धन पांच इधर आएगा जीरो के पास, बराबर के इस पास धन पांच इधर आके माइनस पांच हो जाएगा, तो यक्ष का मान क्या आया, माइनस पांच। तो आप लिखेंगे पी यक्ष का शून्य क्या आया, माइनस पांच आया, माइनस पांच है। जी हाँ दोस्तों, पी यक्ष का शून्य क्या है, माइनस पांच। पी एक्स बराबर जीरो, तो यक्ष बराबर क्या है, माइनस पांच आया है, तो ये इसका क्या होगा, पी एक्स का शून्य होगा, माइनस पांच। इसी प्रकार चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके बी, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो इसका बी जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स बराबर यक्ष माइनस पांच। हाँ दोस्तों, पी एक्स बराबर यक्ष माइनस पांच, आप यहां से देख सकते हैं पी एक्स बराबर यक्ष माइनस पांच। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना शून्य है ही, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, शून्य है इसलिए, शून्य है इस, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यक्ष पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स माइनस पांच, तो पी एक्स स्थान पे एक्स माइनस पांच लिखेंगे बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस पांच जीरो के पार आएगा, या बराबर के इस पार आएगा जब, तो माइनस का प्लस, एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पांच हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः पी एक्स का शून्य पांच है। दोस्तों, पी एक्स का शून्य कितना आया है, पांच आया है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सी है वो पी एक्स बराबर दो एक्स धन पांच, पी एक्स बराबर दो एक्स धन पांच। तो फिर वही लिखेंगे माना पी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, शून्य है इसलिए, शून्य है इसलिए पी एक्स बराबर जीरो मानेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स का मान यहां पर दिया दो एक्स धन पांच बराबर जीरो, पी एक्स का दो एक्स धन पांच बराबर जीरो, आप ऐसे लिख लीजिए। तो दो एक्स बराबर आपका हो जाएगा ये धन पांच जीरो के पार आएगा, धन पांच बराबर किस पर आएगा, तो माइनस पांच हो जाएगा। तो आप देखेंगे यक्ष बराबर क्या आ गया, माइनस पांच बटे ये दो नीचे आ जाएगा, माइनस पांच बटे दो। तो आप लिखेंगे अतः पी एक्स का शून्य क्या आया, माइनस पांच बटे दो है, माइनस पांच बटे दो है। इसी प्रकार दोस्तों, चलिए चलते हैं इसके प्रश्न नंबर डी की तरफ। तो प्रश्न नंबर डी आप देखिए क्या है, प्रश्न नंबर डी दिया है पी एक्स बराबर तीन एक्स ऋण दो, पी एक्स बराबर तीन एक्स ऋण दो। तो आप ये तो शून्य, पी एक्स शून्य है ज्ञात करना, इसलिए हम लिखेंगे माना पी एक्स बराबर जीरो, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, तो पी एक्स का मान दिया है थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तीन एक्स ऋण दो बराबर, तीन एक्स ऋण दो हो गया बराबर जीरो, आप ऐसे लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे तीन एक्स बराबर माइनस दो इधर आएगा तो प्लस दो, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यक्ष बराबर आ जाएगा दो, ये तीन नीचे दो बटे तीन, यक्ष बराबर दो बटे तीन। तो आप लिखेंगे पी एक्स का शून्य दो बटे तीन है। इसी प्रकार दोस्तों, डी हो गया। आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ई की तरफ। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।
और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे हैं डी तक हो चुका है, अब आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर ई लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो ई है वो पी एक्स बराबर 3x, यहां से देख लीजिए। तो आप क्या मानेंगे, पी एक्स बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है इसलिए। तो पी एक्स स्थान पर पी एक्स बराबर क्या दिया, 3x है बराबर 0, तो x बराबर 0 लिखेंगे, 3 नीचे आएगा तो भाग करेंगे 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 आपका आ गया। तो आप लिखेंगे पी एक्स का शून्य 0 है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ, f की तरफ। तो f हमारा जो उसको देखिए, f दिया पी एक्स बराबर ए एक्स, दोस्तों पी एक्स बराबर ए एक्स दिया है। अब यहां से आप फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, माना शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स बराबर ए एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान ए एक्स दिया है, यहां से देख लीजिए। तो पी एक्स स्थान पर एक्स बराबर 0 लिखेंगे, तो आप देखेंगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0/a नीचे आ जाएगा। अब यहां पर किसी संख्या में 0 से भाग करने पर, किसी 0 में, 0 में किसी संख्या से अगर भाग करेंगे तो मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये a जो हमारा होगा वो इसमें भाग होने के बाद 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 0 आ गया। तो आप लिखेंगे पी एक्स का शून्य 0 है। दोस्तों आप पी एक्स का शून्य क्या आया है, 0। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका एक अलग से सोल्यूशन एक शानदार तरीके के साथ हल करके दे सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हाँ, और क्वेश्चन इसका पाने के लिए दोस्तों ये प्रश्न नंबर, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3, प्रश्न नंबर 1, 2, 3 पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहां पर सभी वीडियो दिया गया है। तो चलते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा प्रश्न नंबर जी है वो दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल 0। दोस्तों वहां सी नॉट इक्वल 0, सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो सी और डी क्या है, वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां से देखिए आप फिर जो है लिखेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स स्थान पर क्या है, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो यहां पर सी एक्स बराबर आपका हो जाएगा, देखिए आपका सी एक्स बराबर हो जाएगा, प्लस डी इधर आएगा तो माइनस डी, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी, ये सी नीचे आ जाएगा, माइनस डी बाई सी, एक्स बराबर माइनस डी बाई सी। तो आप लिखेंगे पी एक्स का शून्य माइनस डी बाई सी है, माइनस डी बाई सी है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन एक शानदार तरीके के साथ आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।